हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मुझे उम्मीद होगा आप लोग सही होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि सैमसंग का अगर फ़ोन होगा, आपका कोई भी सैमसंग का फ़ोन होगा, अगर आपके सैमसंग का फ़ोन में अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लीजिए। उसको अपडेट आपको करना होगा, तभी आप इसके अंदर नए नए फीचर देखेंगे, नए नए सब कुछ सॉफ्टवेयर इसमें, नए नए सब कुछ इसमें दिखाई देगा। तो मैं अब बता देता हूँ, सैमसंग A20 मैं चलाता हूँ, इसमें अपडेट आया। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर फोटो लगा है, वॉलपेपर लगा है, ठीक है। मैं अब सारा ऐप ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड की जो फोटो था वो ब्लर हो गया। ब्लर होने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड। पहले ब्लर नहीं होता था, पहले फोटो दिख रहा था, हर बार दिख रहा था, अब नहीं दिखता, अब तो ब्लर हो जाता। कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मूथ चल रहा भी रहा है। और यहाँ पर देखिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी जो सेटिंग है, डिवाइस मीडिया है, सब कुछ यहाँ पर देखिए फ्रेंड दिया गया है। और यहाँ पर भी ब्लर का ऑप्शन दिया गया है कि फ़ोटो जो है ब्लर कर दे रहा है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा ऑन है, यहाँ पर सर्च करने के भी दिया है, और उसके बाद यहाँ पर स्विच ऑफ ऑन भी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करने के लिए पावर ऑन, रिस्टार्ट, इमरजेंसी कॉल भी दिया है। तो इसमें बहुत सारे फीचर दिए हैं। तो फ्रेंड आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ पर शो करता है, नोटिफिकेशन शो करता है कि यहाँ आपका फ़ोन अपडेट होने कर लो, अपडेट आता है यहाँ पर, फ़ोन इज अपडेट, जो भी करना हो कर लेना। फिर उसके बाद नहीं यहाँ पर शो करना है तो आपको चेक करना है कि मेरा फ़ोन अपडेट में है कि या नहीं है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आप लोग को खोजना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया रहता है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई, और लास्ट अपडेट। तो फ्रेंड आप, मैं पहले बताता हूँ लास्ट अपडेट मेरा कब आया था, लास्ट अपडेट मैं फ़ोन को कब किया था। मेरा अपडेट आया था तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो मेरा अपडेट आया था 1 जुलाई 2021 को आया था। वो भी साइज इसकी देख लीजिए, साइज इसकी बहुत ही 2 GB की साइज है, इसकी जो साइज है वो 2 GB की है। यहाँ पर 1924, ठीक है, 0.72 MB का है। और यहाँ पर देखिए मैं जो आया था 10 जुलाई को अपडेट मैंने किया था, लास्ट सक्सेस अपडेट किया था मैंने 10 जुलाई 2021 को शाम को 6:55 पे इसको मैंने अपडेट किया था, ठीक है। अब इसके बाद अपडेट नहीं, अपडेट हो गया है, इसके बाद आपको अपडेट अगर फ़ोन को करना है या नहीं पता कि अपडेट है कि नहीं है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का जो यहाँ पर चेकिंग अपडेट लिख रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट, तो यहाँ पर फ्रेंड इसने चेक कर लिया, यहाँ पर लिख भी रहा है योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ऐसे लिख रहा है कि मेरा जो फ़ोन है अपडेट हो गया, 1 जुलाई को ही आ गया था, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको इस ऐसे भी नहीं पता लगता है तो आप ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको लगाएंगे, जैसे कि वाईफाई आपको खुला होगा, जिस किसी को पकड़ा होगा ऑटोमेटिक अपडेट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जान सकते हैं, आप फोटो गैलरी में जाइए, बहुत ही सारा इफेक्ट, बहुत ही चेंजिंग आ गया, मैं नहीं जा सकता, बहुत सारे इसमें फोटो आए, नहीं जा सकता। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, छोड़ देना, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए।